Econometrics, a practical approach using Stata and R. तो मैं इस कोर्स में आपको वेलकम करता हूँ. दो बुक्स जो हम फॉलो करेंगे, एक है इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स बाय स्टॉक एंड वॉटसन, दूसरी है रिग्रेशन एनालिसिस. तो जो डेटा सेट्स मेनली यूज होंगे वो इन बुक्स से होंगे. तो इस कोर्स को हम बाकी कोर्सेज से कैसे डिफरेंट वे से करेंगे, तो दैट्स द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस कोर्स. कि रूटीन में हम जो इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हैं उसमें मैथमेटिक्स की इतनी भरमार होती है कि हम मेन कॉन्सेप्ट्स, एसेंस क्या है कॉन्सेप्ट्स के, व्हाई डू वी नीड दीज टूल्स, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट, ये चीजें मिस हो जाती हैं. जो आपकी, हम ज्यादातर अपनी मैथमेटिकल डेरिवेशन में मैथ्स में रहते हैं. तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में हमें वी नो कि जी अच्छा, आपके पास इन वेरिएबल्स का बड़ा अच्छा जो है इम्पैक्ट होता है और इससे बेटर आउटकम्स आ जाती हैं. बट व्हाट इज द बेसिकली क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ दोज कॉजल इफेक्ट्स. कॉजल इफेक्ट का मतलब होता है कि एक जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, क्लास साइज को कम करना ट्रीटमेंट हो सकती है, आप इनकम सपोर्ट देना ट्रीटमेंट हो सकती है, आप जो है वो पॉलिसी रेट को चेंज करना, वील डिस्कस दैट. तो आपके पास जो है वो क्वांटिटेटिव इफेक्ट क्या है ऑन आउटकम. आउटकम क्या चीज होती है, जैसे हमने कहा जी कि टेस्ट स्कोर है फॉर एग्जांपल, तो क्लास साइज कम करने से टेस्ट स्कोर पे क्या इंपैक्ट होगा. तो क्लास साइज आपका ट्रीटमेंट वेरिएबल हो गया और टेस्ट स्कोर आपका आउटकम वेरिएबल हो गया. क्या जो है वो सीट बेल्ट पहनने से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम होते हैं या नहीं होते, तो सीट बेल्ट पहनना जो या ना पहनना, दैट इज योर ट्रीटमेंट वेरिएबल. एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज योर आउटकम, रिडक्शन इन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और फेटल एक्सीडेंट्स, दैट विल बी योर आउटकम वेरिएबल. तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, हमने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो मेनली जिस क्वेश्चन का आंसर हम इस कोर्स में करेंगे वो ये होगा कि क्या क्लास साइज कम करने से टेस्ट स्कोर कम होता है. इसी में हम सारी की सारी, इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए हम सारी की सारी इकोनोमेट्रिक्स सीखने की कोशिश करेंगे. क्या आपके पास ईयर्स ऑफ एजुकेशन बढ़ने से आपकी अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, क्या ये ईयर्स ऑफ एजुकेशन से हो रहा है या कुछ अदर कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं, इस बात को देखेंगे. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सिगरेट्स क्या है, कि प्राइसेस बढ़ाने से क्या जो है वो सिगरेट डिमांड कम हो जाएगी, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो है वो आपकी आउटपुट ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या आपके पास जो है वो एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट्स ले आए तो क्या आपकी हाउसिंग प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो और कितनी बढ़ जाएंगी. दैट्स वेयर योर इकोनोमेट्रिक कम्स इन. तो बेसिकली मैं इस कोर्स में जो है वो फोकस करूंगा कि कॉन्सेप्ट्स हो, लॉजिकल हो, डेटा को विजुलाइज करते हुए, सिमुलेशन के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, रियल डेटा को यूज करते हुए, वी अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, वी अंडरस्टैंड दी एसेंस ऑफ रिग्रेशन. इंस्टेड ऑफ हैविंग मोर एंड मोर मैथमेटिकल डेरिवेशंस, 99.3% ऑफ द टाइम्स जो हम अंडर ग्रेड में इकोनोमेट्रिक्स में मैथ्स पढ़ाते हैं वो कभी बाद में कहीं पे यूज नहीं होता. तो कैसे इसको कंडक्ट करना है, रिसर्च को या एम्पीरिकल स्टडी को कैसे इंटरप्रेट करना है और उसको असेस कैसे करना है, तो आई विल ट्राई के लिए एक बड़े सिंपल एफिशिएंट वे से, एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट, एफिशिएंट वे ऑफ टीचिंग, उसकी मैं बात करूंगा. और मेरा ख्याल है कि इट विल बी मोर एंजॉयबल एज वेल. तो कोर्स में हम देखते हैं कि जी आपके पास ज्यादातर, ये आज में सिर्फ इंट्रोडक्शन, ये छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो है. तो आप कोर्स में क्या करते हैं, ज्यादातर हमारे पास जो ये जो हम एम्पिरिकल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो दो ग्रुप्स होते हैं, एक कंट्रोल्ड एक ट्रीटमेंट. लेकिन हमारे पास इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंसेज में और बहुत सारी और मेडिकल साइंसेज में एक ऑब्जर्वेशनल डेटा होता है. तो ऑब्जर्वेशनल डेटा में ये पॉसिबल नहीं होता इस तरह से कि दो ग्रुप्स बिल्कुल एक जैसे हों. यानी कि पौधे तो हम छह ले सकते हैं सेम, उनमें से तीन को धूप में रखें, तीन को साय में रख दें तो वो एक जैसे हैं, तो धूप का सिर्फ इंपैक्ट मेजर कर लें. बट अब हमारे पास जो है वो डेटा, हम देखते हैं कितने लोग कितने अरसे से स्मोकिंग कर रहे हैं और उनकी जो है अदर इंडिकेटर्स क्या हैं.
कितने लोग मालनरिश्ड हैं और उनके एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर्स क्या हैं। तो ये आपका सारे का सारा ऑब्जर्वेशनल डेटा होता है। स्टेट बैंक जो है या सेंट्रल बैंक जो है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर देता है और हम बाकी वेरिएबल्स को उसका इम्पैक्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट नहीं किए जा सकते, अगरचे रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स जो है इन इकोनॉमिक्स इस वक्त बहुत ज्यादा जो है फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं। बैनर्जी एंड दुफ्लो लोगों को नोबेल प्राइज भी उनकी उस कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड काम पे मिला है। तो आपके पास ये जो कोर्स होगा इसमें हमने ये देखना है कंफाउंडिंग इफेक्ट क्या होते हैं, साइमल्टेनियस कॉजलिटी क्या होती है, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। मैं इस पे बात करूंगा आप लोगों के साथ इस कोर्स में। तो आपको हमने क्या करना है, हमने इसमें कॉजल इफेक्ट को एस्टिमेट करना सीखना है फ्रॉम ऑब्जर्वेशनल डेटा। इसको कैसे हम जो है वो ध्यान में रखनी है बाकी चीजें, तो इस चीज को देखना है आपने जो है वो मैंने जैसे कहा तो वी विल फोकस ऑन लर्निंग इकोनोमेट्रिक्स इन प्रैक्टिस, नॉट डूइंग मैथमेटिक्स। हमने क्या, अगर आपको वो वाली इकोनोमेट्रिक्स आ जाती है तो क्या आप किसी की जो रिपोर्ट है या किसी का जो पेपर है या किसी की जो स्टडी है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं? दैट्स द एसेंस जो हमने लेनी है यहां से। और ऑब्वियसली इट विल बी लर्निंग बाय डूइंग इंस्टेड ऑफ जस्ट जो है फॉर्मूला बेस्ड जो है ना वो जस्ट चॉक टॉक और मार्केट टॉक जो है वो इकोनोमेट्रिक्स नहीं होगी। तो आई विल डिमॉन्स्ट्रेट हियर इन प्रैक्टिस यूजिंग स्टेटा आर, और आपको वो उस बुक उन बुक से असाइनमेंट्स मिलेंगी। एम्पिरिकल प्रॉब्लम्स, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास जो है वो मैं इस स्लाइड पे खत्म करूंगा अपनी इस वीडियो को, क्लास साइज एंड एजुकेशनल आउटपुट। क्या क्लास साइज कम करने से टेस्ट स्कोर बढ़ जाता है या नहीं बढ़ता? अब ये क्वेश्चन की दो पार्ट्स हैं, एक टैक्स पेयर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर नहीं बढ़ता तो इट मींस कि आप जब क्लास साइज कम करेंगे तो वी नीड मोर मनी एंड वी नीड मोर टैक्सेस फॉर दैट, और अगर बढ़ जाता है तो इट मींस कि क्लास साइज कम करने से बच्चों की अचीवमेंट स्कोर चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए स्मॉलर क्लास साइजेस विल हेल्प टू हैव अ बेटर सोसाइटी। तो बेसिकली पॉलिसी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टेस्ट स्कोर्स of reducing class size by one student per class or eight students or two students. So how can we answer this question? Obviously we must have some numbers, we must have some data to answer such questions. We'll discuss it in our next video. Take care. I hope ki aap is course mein bahut zyada jo hai wo enjoy karenge learning econometrics in a different perspective.